11.4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी आपने पढ़ा कि अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा और जाना, और आई थिंक पढ़ने से पहले ही मैंने एग्जांपल दे दिया था कि कैसे इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो अभी वो हमको सेम ही चीज़ बड़े करके समझाएगा। अभी खुद ही बोल रहा है कि साठ लेखन होना चाहिए और खुद ही हमको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। एक्चुअली वो हमको एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा है ताकि हमें अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ जाए और फिर हम इसको यूज़ कर सकें और हम चीज़ों को आपस शॉर्ट में बना के लिख सकें। तो हिंदी में ऐसे असंख्य शब्द हैं जिनका प्रयोग करके पूरे पूरे वाक्यांशों को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। आइए हम इनमें से कुछ पर नज़र डालें। अभी तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं और सारे पढ़ना, और एक्चुअली मुझे तो सब पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन साल लेखन से मैंने एक बात तो सीखी है कि जितना शॉर्ट में आप चीज़ जो मेन चीज़ बता सको वो इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए ये वाला पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं तो मुझे वो भी एक्वायर करना है, मैं चाहती हूँ मैं सब कर पाऊँ। तो इसीलिए ये सारे इसके जितने भी दिए गए हैं ये वर्ड्स, वो सब आप ढंग से पढ़ना, और हो सके तो मुझे टेक्स्ट मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे आपको लगे वर्ड्स, क्योंकि मैं एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा लिटरेचर लवर हूँ, तो मैं अपने खाली टाइम में बैठ के ज़रूर पढ़ूंगी ये सारे वर्ड्स ताकि मेरा भी सार लेखन अच्छा हो सके, यू नो। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आप वो सब तब तक पढ़ो, एंड जब पढ़ लो फिर ये वीडियो वापस से प्ले कर देना, एंड फिर हम पढ़ेंगे 11.5 सार लेखन की प्रक्रिया। तो लेट्स स्टार्ट 11.5 सार लेखन की प्रक्रिया। सार लेखन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इन्हीं को नीचे दिया गया है। सार लेखन के चरण: मूल बिंदु का चयन, संबंधित बिंदुओं का चयन, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना, अनावश्यक सामग्री को छोड़ना, उपयुक्त आकार में सार लिखना। तो फर्स्ट है कि मेन पॉइंट्स जो चाहिए, उसके बाद सब पॉइंट्स जो चाहिए, और मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को एक तरह से ऑर्डर में लिखना, और फिर जो एक्स्ट्रा दिया गया है उसको निकालना, और फिर जो उसको जो 1/3 उसका मतलब क्या बोलते हैं साइज होना चाहिए उसमें उसको लेकर आना। आइए हम एक एक करके इन पर विचार करें। आप किसी भी गद्यांश को पढ़ने पर पाएंगे कि लेखक उसमें विशिष्ट रूप से किसी बात पर पाठक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। यह उस गद्यांश का मूल भाव होता है। गद्यांश को 3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझा जा सकता है। तो इसमें बोला है कि अगर आपको किसी चीज़ का मेन एसेंस क्यों दिया गया है, वो जो भी राइटिंग दी गई है ये जानना हो, तो आप पढ़ सकते हैं गद्यांश को पढ़ के, और 3 बार अगर आप पढ़ोगे तो कहा जाता है कि 3 बार तक एक चीज़ समझ आती है। पहले तो आप वर्ड्स को पहचानोगे, सेकेंड में आप एक तरह से क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा समझोगे, लेकिन थर्ड टाइम पढ़ने तक आपको आ जाता है नॉर्मली कोई भी पढ़ाई कर, या फिर उसका जो मेन मोटिव है उस चीज़ को देने का वो आप समझ पाओगे। तो इसीलिए 3 बार पढ़ने का इसने एडवाइस किया हुआ है यहाँ पे। सेकेंड, इस मूल भाव को स्थापित करने के लिए उससे संबंधित कुछ बातें लिखी जाती है, उन जिनसे मूल भाव की पुष्टि होती है, ये संबंधित बिंदु कहे जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपने मेन पॉइंट तो निकाल लिया उस भी राइटिंग का, तो अब उससे रिलेटेड भी जो पॉइंट्स हैं, जैसे मेन डेट्स हैं या ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको ये हम बोलते हैं सब पॉइंट्स। तो इन सब पॉइंट्स को भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद थर्ड में है, सार लेखन को मूल भाव और उसकी पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं को पहचान कर उन्हें अपने लिए एक क्रम देना होता है। अब आप ये तो नहीं लिख सकते कि पर्टिकुलर पर्सन है वो इस एज में मरा, उसके बाद उसका जन्म इस एज में हुआ था ना, राइट? तो हम पहले लिखेंगे उसका जन्म हुआ, उसने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने जो नौकरी की, उसके बाद उनके जो लाइफ में इवेंट्स हुए, और फिर वो कब मरे। तो इस तरह से हर चीज़ को एक ऑर्डर देना बहुत ज़रूरी होता है।
अपने लेख को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए और लेख के मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक उसकी व्याख्या करता है तथा अनेक उदाहरण देता है। आवश्यकता पड़ने पर वो उस भाव को दोहराता भी है। मूल भाव की पहचान के साथ साथ हम उन सब बातों को भी पहचानना होता है जिन्हें लेखक अपने मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त करता है। ये हैं व्याख्या, उदाहरण और दोहराव। सार लेखन के लिए ये बातें अनावश्यक सामग्री होती हैं। श्रेष्ठ सार लेखन के लिए उन्हें पहचानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जाननी होती है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है व्हेन वी आर राइटिंग अ समरी। तो हमारे लाइफ में, जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट, सुबह से रात तक। तो सोचो कि आपका एक फ्रेंड रहता है, क्या बोलते हैं, एक पास वाली सिटी में, जिससे आई थिंक 1 month हो गए नहीं मिले। तो अगर आपको दिनचर्या में वो फ्रेंड आपके घर पे घूमने आया है और उसी दिन आपके मम्मा का बर्थडे भी है, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप अपने लाइफ, उस अगर आपको अच्छे से अपने उस डे को डिस्क्राइब करना हो तो आप पूरा लिखोगे कि मैं इतने बजे उठा या उठी और फिर ये किया वो किया वो किया एंड फिर इतने बजे मेरा वो फ्रेंड आया, फिर इतने बजे तक हम साथ में घूमे, फिर हमने ये किया, उसके बाद मैं घर पे आया, उसके बाद मम्मा का बर्थडे था, फिर हमने उनका बर्थडे मनाया और फिर मैं इतने बजे सो गया। लेकिन जब हम सार लेखन लिखते हैं तो हम उसमें से के बाकी सारे पार्ट को कब उठे, कब नहीं, कब नहाया, कब क्या किया, ये सब हटा के केवल लिखेंगे कि कौन सा फ्रेंड आया था, कितने बजे आया था और आपने उसके साथ जो किया। उसमें भी आप सब नहीं लिखोगे कि हम लोग चल के इधर गए वो के, बस आप बस यही लिखोगे कि हम लोग यहाँ पे गए थे और हमने मेन ये किया, फिर मैं घर पे मम्मा का बर्थडे था और हमने उनके बर्थडे में ये किया। तो बस इतना सा लिखना सार लेखन कहते हैं। बाकी सब जो उसका इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया होता है वो सबको ओमिट करना होता है, और इसी ओमिशन, ये ओमिशन भी सार लेखन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आइए एक उदाहरण समझ इसके समझने की कोशिश करें। तो आप ये उदाहरण पढ़ सकते हो और फिर उसको समझ सकते हो। आइए पहले हम इस अनुच्छेद का मूल भाव समझने का प्रयास करें। हम ये कैसे करेंगे, इस गद्यांश का मूल भाव समझ कर यहां लिखिए। तो अभी आपने जितना मैंने आपको समझाया है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आप ये एक्टिविटी ना आप खुद ही करो, तो इससे आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना मेरी बात को समझा है, राइट। तब पढ़ते हैं। आपने ठीक समझा, ये गद्यांश का मूल भाव है कवि तुलसीदास की महत्ता। तो ठीक है, इसमें आई थिंक कवि तुलसीदास के महत्वपूर्ण काम या उनके बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है होगा। इस मूल भाव को पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदु है भारत के असंख्य श्रेष्ठ कवि। तुलसीदास उनमें अधिक श्रेष्ठ हैं। वे कोरे कवि नहीं हैं बल्कि चरित्रवान राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सरल भाषा में गूढ़ार्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा भी थे। तो इस सब को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, या फिर ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी होगी उसमें, लेकिन उनका जो एक्चुअली वो क्यों इम्पॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे मूल भाव में बता दिया गया है। ऊपर इन बिंदुओं को व्यवस्थित क्रम भी दिया गया है और इसी तरह से ये जो क ख ग करके इनको ऑर्डर भी दी, मतलब एक ऑर्डर में भी रखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में। आइए देखें कि उक्त गद्यांशों के कौन कौन से अंश, वाक्य, उदाहरण दोहराव की कोटि में आते हैं। तो इसके बाद इसमें जो आपने वो जो पढ़ा उसके बाद ये सब जो लिखा गया है ये सब उसको छोड़ने वाले टाइप के आते हैं। तो ये एग्जांपल आप पढ़ के खुद ही समझ सकते हो। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने निम्न भाषाई कौशल का उपयोग भी किया है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कथाएँ, अलंकार, सूक्तियाँ और उदाहरण और विशेष शैली, तो ये सब क्या होते हैं, भाषा को और सुंदर बनाने के काम आते हैं। तो इसी तरह से आप भी इन सब को यूज़ करके अपने सार लेखन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो। उक्त गद्यांश में बढ़ चढ़कर होना मुहावरा है। काव्य रूपी आकाश कर में रूपक अलंकार है। किसी ने कहा है वाक्य का उदाहरण है। अनगिनत प्रभावपूर्ण जुगनुओं, वाक्य में दो विशेषण हैं और बहुत सी संज्ञाएं,
क्यों ना दें विशेष शैली का प्रयोग है। तो ये सब उसके एक्चुअली पार्ट्स बताए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके वजह से इसमें और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हो पाया है। सार लेखन करते समय हमें ऐसी बातों को भी छोड़ देंगे, लेकिन ये सब आपके राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये उसके मेन पॉइंट्स नहीं है या ये उसका मेन मोटिव नहीं है। जो भी मेन मोटिव था वो उसको क्या पॉइंट वाइज बता दिया गया है पहले। अब हम उक्त गद्याशों का सार लेखन के लिए तैयार है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है। सार लिखते समय भाव तो लेखक का रखना होता है, किंतु भाषा अपनी रखनी होती है। लेखक की भाषा लेने पर उपयुक्त सार लेखन बहुत कठिन हो जाता है। तो पहले आई थिंक मैं उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाई थी, बट इट्स लाइक अब मुझे पूरा अच्छे से समझ आ गया है कि आपको जो भी लिखना होता है ना, वो आप थोड़ा थोड़ा तो उससे इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन लिखना अपने वर्ड्स में ही होता है। ठीक है, तो अपने वर्ड्स में जब आप लिखते हो ना, तो आपको उसको ईजीली डिफाइन कर पाते हो या ईजीली अपने लिख सकते हो। जैसे हम अपने बात करते हैं नॉर्मली तो हम आराम से कर पाते हैं, लेकिन हम अभी एकदम बुकिश स्टाइल में अगर बात करेंगे तो उतनी हिंदी का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, उतनी हिंदी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बोलना जितना आसान है उतनी ही उतने ही रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करना हमारे लिए कष्टदायक होगा। ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा अजीब होगा और इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। तो इसलिए तो हम क्या करेंगे ना, जो हमारे टाइप की भाषा है उसका यूज़ करने से हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे सार लेखन को। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम उक्त गद्यांश के सार को इस रूप में कर सकते हैं। तो उसने ऐसे चार लिखा है। अब उस गद्यांश का आपने देखा कि यह सार मूल गद्यांश का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। सार लिखने के बाद यह भी अवश्य देख लेना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गया है, कोई अनावश्यक बात तो नहीं लिखी गई है। अपनी भाषा भी चुस्त दुरुस्त कर लेनी चाहिए। तो एक और बार थोड़ा सा रीचेक कर लेना चाहिए, ताकि कि कुछ छूटना भी कुछ मतलब मेन पॉइंट नहीं छूटना चाहिए और कुछ फालतू बातें भी ज़बरदस्ती नहीं आनी चाहिए। अब ये क्रियाकलाप दिए गए हैं, ये आप खुद करोगे, लाइक गुड बॉयज़ एंड गुड गर्ल्स। एंड यहाँ पे देखिए सार लेखन के कुछ नमूने। तो आइए हम सार लेखन के कुछ उदाहरण देखें। ये सारे दोनों जो सार लेखन के जो उदाहरण दिए गए हैं, ये आप खुद पढ़ोगे और क्रियाकलाप भी दिया गया है वो आप खुद करोगे। तो अब हम सीधा आ जाते हैं 11.7 पे, जो है सरकारी कार्यालयों में सार लेखन। आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज में हर फाइल में कागज का ढेर बढ़ता जाता है। एक फाइल में कागजों का निपटारा कई सीटों, डेस्कों, काउंटरों से गुजर कर कई अधिकारियों के हस्ताक्षर से और कभी कभी तो कई विभागों तक कर हो पाता है। ये तो बहुत इजीली समझ सकते हैं कि बहुत सारे टेबल्स से गुजर गुजर के उसको बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं और उसके बाद ही हम सरकारी कार्यालयों में कोई काम को करवा पाते हैं। अतः समय को बचाने के लिए सहायक द्वारा पत्रों का सार तैयार किया दिया जाता है। जो हेल्पर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आप सार लेखन लिखिए इस चीज़ का, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, ताकि आगे की कार्रवाई के लिए भी सभी पत्रों का अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़े। फाइल पुरानी हो जाने पर प्रायः पूरी फाइल के महत्वपूर्ण बिंदु को सबसे ऊपर लिखे ले जाते हैं। तो इस तरह से अगर फाइल पुरानी होती जाती है तो हम उसके मेन मेन पॉइंट्स ऊपर लिख देते हैं, ताकि वो हमारे लिए काम आ सके। सरकारी पत्रों का सार लेखन करते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। साथ ही सबसे पहले क्रमसंग संख्या होगा, वो अधिकारी का पद का नाम, संबंधित विभाग मंत्रालय, पत्र संख्या और तथा दिनांक का उल्लेख भी किया जाता है। तो ये सारे मेन मेन पॉइंट्स हैं, जैसे डेट, कौन सा नंबर्स हैं उसका और कौन से डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है, वो सब लिखे जाते हैं। तो आइए सरकारी पत्र का एक नमूना देखें। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सब, कौन सा का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का, ये शिक्षा विभाग का है और इसमें डेट दिया, जगह का नाम है नई दिल्ली, डेट दिया गया है 20 नवंबर 2011 और फिर उसके बाद उसके मेन मेन पार्ट्स लिखे गए हैं।
और फिर विषय अध्यापक द्वारा हिंदी उल्लेखन तथा टिप्पणी कला, ये उसका पूरा विषय है। और ये आई थिंक होना चाहिए, मुझे निर्देश हुआ है कि आपसे ज्ञात करूँ मैं कार्यालय में अध्यापक सर्वेश्वर शर्मा नेत्र संसाधन हुआ है आपने। आई थिंक ये बहुत शॉर्ट में दिया गया है, तो इसलिए ये एक तरह के सार लेखन में लिखा गया है। तो इस तरह, अच्छा नहीं, वो सार लेखन में नहीं लिखा गया था, तो वो था एक्चुअली पार्ट। और यहाँ पे सब क्रम संख्या एंड ये सब देकर इसमें सार लेखन लिखा गया है। उपनिदेशक में अपने पत्र में इस हिंदी केंद्र के अध्यापक शिवराम सेवाराम शर्मा के संबंध में लिखा है कि उन्होंने स्वयं लिखित पुस्तक हिंदी आलेखन तथा टिप्पण कला को 100 रुपये प्रति पुस्तक के मूल्य पर बेचा है। आपने बताया कि स्वयं लिखित पुस्तकों को छात्रों में बेचना राजकीय नियमों के विरुद्ध है, छानबीन कर शीघ्र उत्तर देने की अपेक्षा की गई है। तो ये उसके मेन पार्ट्स हैं, और इसी की तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक बात कहना चाहूँगी कि इट्स लाइक मेरे से एक्सपेक्ट कभी मत करना कि मैं आपको कभी टीचर जैसा पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं आपको कभी भी टीचर जैसा पढ़ा सकती हूँ। इट्स मोर लाइक कि मैं आप ही की एक मेरा चैनल का नाम भी स्टडी बडी है, मैं आपकी एक बडी जैसी हूँ, मैं आपकी एक दोस्त हूँ। तो इट्स लाइक हम साथ में सीख रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ। तो होता है बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ते पढ़ते ना एक चीज़ पहले मुझे पता नहीं होती, फिर उसके आगे अगर कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है ओ ये इसीलिए लिखा गया है। तो इट्स लाइक नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा सब ज्ञानवान हूँ। मैं कोई ज्ञानवान और ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी जस्ट एक दोस्त हूँ जिसके साथ आपको पढ़ाई करना और ज़्यादा अच्छा लगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगे, और आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप फाइनली हिंदी में सार लिखना तो सीख ही गए, इसका थोड़ा सा इंग्लिश फॉर्म में भी आप यूज़ कर ही सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल।